विराट के घर आ गया छोटा कोहली, गुरु नाम है उसका अकाय कोहली। हाँ, बीते कई दिनों से विराट कोहली के तमाम प्रशंसक जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे कि बाबू हुआ क्या, मतलब विराट कोहली क्यों टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अब उस रहस्य से पर्दा हट चुका है और कहानी ये है कि कोहली के घर एक और कोहली आया है, वामिका का छोटा भाई आया है जिसका नाम है अकाय कोहली। हाँ, फैंस तो अभी इससे ओवर एक्साइटेड हो गए, लंबी लंबी कहानियां लिखना शुरू कर चुके हैं कि भैया कोहली का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, बड़े वाले का छोटा तोड़ेगा, ये 100 मारेगा वो 150 मारेगा। हालांकि ये सब ओवर एंथुजियास्टिक फैंस हैं जो अपनी कपोल कल्पनाओं के द्वार को बढ़ा रहे हैं। हम उधर नहीं जाएंगे, हम उधर लौटेंगे और आपको बताएंगे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दूसरी बार माता पिता बने और उस रहस्य से पर्दा जो है विराट और अनुष्का ने एक पोस्ट के जरिए हटाया है जिसमें खुद उन्होंने जानकारी दी कि वो माता पिता बने हैं और अभी नहीं बने हैं बल्कि 15 फरवरी को ही वो पेरेंट्स बने थे। यानी जो डिविलियर्स ने खबर बताई थी वो बिल्कुल सच खबर थी और यही सच्ची कहानी है। और अपने बेटे का नाम जो है उन्होंने अकाय कोहली रखा है, अंग्रेजी में AKAY और हिंदी में आ का आ या अकाय कोहली, वामिका अकाय। अकाय का नाम क्यों है ये आप इमेजिन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं राइमिंग दाएं बाएं से आपको मिल जाएगी, लेकिन खबर गुरु बहुत बड़ी है। विराट और अनुष्का की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया उसमें जानकारी दी गई कि उनका दिल जो है खुशी के मारे बाग बाग है और वो बहुत ही प्रसन्नता से तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस फरवरी उनकी लाइफ में खुशी आई। वैलेंटाइंस डे के नेक्स्ट डे उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी हुई और वो अपने बेबी बॉय को उस दिन वेलकम करते हैं। यानी जो बातें कही गई थी डिविलियर्स की तरफ से वो बातें बिल्कुल सच थी और उन्होंने लिखा कि अकाय जो कि वामिका का छोटा भाई है उसने दुनिया में प्रवेश किया। फिर बाकी लोगों से कहा कि यार हम आपकी दुआओं का स्वागत करते हैं, आप हमारे बच्चे को ब्लेस कीजिए, हम चाहते थे कि आप थोड़ी सी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें, लव एंड ग्रेटिट्यूड एंड विराट एंड अनुष्का, ये बातें उन्होंने कह दी। अब इन बातों के बाद फैंस जो हैं वो अलग लेवल पे शुरू हो गए कि भाई जूनियर कोहली, किंग कोहली, कईयों ने कहा भैया अलग रहेगा, कईयों ने कहा यार जब बच्चा 14 को हुआ था तो छिपाया क्यों, आई डोंट नो क्यों छिपाया, कैसे छिपाया, लेकिन अच्छी बात यह कि इन्होंने खुद बताया। अभी उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर नहीं आई है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देर सवेर वो तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ जाएंगी और अकाय जो हैं वो अभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगे। मतलब अगर आप सोशल मीडिया के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में देखोगे तो अकाय को लेकर बधाइयों का सिलसिला जो है वो जबरदस्त चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अकाय के नाम पर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लगातार खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। सो अकाय ऑलरेडी एक बहुत फेमस व्यक्ति, अकाय को लेकर सोशल मीडिया पर अभी से वीडियोज आने लगे हैं, कोई अलग अलग मीम्स आने लगे हैं, मतलब अलग अलग लेवल की है कि यार विराट ऐसे थे तो अकाय ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बट जबरदस्त है। मतलब विराट के नाम से इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कहीं पर विराट का ट्रेंड हो रहा है, कहीं अनुष्का ट्रेंड हो रहा है, कहीं पर वेलकम जूनियर किंग ट्रेंड हो रहा है, कहीं पर कॉन्ग्रेचुलेशंस किंग जो है ये सब ट्रेंड हो रहा है। सो सोशल मीडिया इज राइट नाउ ऑल अबाउट ऑल दीज पोस्ट एंड सब बहुत खुश हैं, खुश होना भी चाहिए क्योंकि डर जो था वो सबके मन में चल रहा था कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई जानकारी निकल नहीं पा रही थी क्योंकि विराट और अनुष्का ने कुछ बताया नहीं था और बीच में बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें भी आई थी। खबर आई थी उनके मॉम डैड को लेकर कि तबीयत बहुत खराब है, उनकी मम्मी की तब बहुत सारे इश्यूज हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद फिर एक खबर आई कि मॉम डैड बन गए हैं, तब भी काफ़ी सारे सवाल शुरू हुए थे क्योंकि डिविलियर्स ने सोशल मीडिया पर कह दिया था कि मेरी विराट से बात हुई है। हालांकि इस बात से ये तो स्पष्ट है कि डिविलियर्स और विराट के बीच में दोस्ती यारी अच्छी है और विराट ने एक्चुअली भरोसा करके बताया था, पूरा नहीं बताया था ये भी सच है, क्योंकि विराट ने जो बताया था डिविलियर्स के हिसाब से वो ये था कि बच्चा होने वाला है, एक्सपेक्टिंग अ बेबी, बट आई थिंक उस टाइम तक वो ऑलमोस्ट बेबी हो चुका था क्योंकि जो बच्चा है वो 15 फेब को हुआ, यानी फिर नहीं बच्चा नहीं हुआ था विराट, उनकी न्यूज़ सही थी, 15 तो अभी बीती यार, हम ही कहाँ आगे चल रहे। तो हाँ, इसी को तो आया यार, इसी वैलेंटाइंस पे आया। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर फैमिली एंड डिविलियर्स वाली न्यूज़ जो है वो पूरी पक्की थी, डिविलियर्स को उन्होंने जो सच बताया था, बाद में उन्होंने डिविलियर्स ने सॉरी अपॉलॉजी किया, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़, लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं और तारीफ करते हैं यार, ठीक है, लेट्स जस्ट होप कि विराट अपना टाइम लें और इस बेबी वाले प्रोसीजर में जो फैमिली फर्स्ट है, बिकॉज अभी टीम इंडिया की कहानी जो नई है उसमें रोहित शर्मा भी बार बार ये कहते हैं कि फॉर अस फैमिली इज फर्स्ट, फैमिली पहली प्रायोरिटी है, अश्विन भी गए थे, यहाँ भी रहा, सो
हमारी तरफ से भी विराट कोहली को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अनुष्का को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विराट अब कह सकते हैं प्राउडली, हम दो हमारे दो। ये रहा, बाकी उन्होंने अपनी इस पूरी न्यूज़ को छिपा के रखा, वो उनकी प्रिवेसी थी। और लेट्स जस्ट होप कि बच्चा जो है वो मस्त हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, और सभी टीम इंडिया के फैंस या वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी सी आप लोग थैंक यू एबी डिविलियर्स को दे सकते हैं, बिकॉज डिविलियर्स ने डिविलियर्स के मीम वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर लिखा है कि न्यूज़ विराट कोहली ब्लेस विद अ बेबी बॉय, और डिविलियर्स कह रहे हैं अबे हमको मालूम है, चल 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 चाचा को मत सिखा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़ ओवरऑल। बट सवाल हमारा आपसे कि विराट के बेटे का नाम अकाई कोहली है, आपको क्या लगता है कि ये नाम जो है ये अकाई कोहली क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और आपकी सोच इस पर क्या कहती है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और आपको कैसा लग रहा है इनकी न्यूज़ सुनकर।